सिला सलार और मूसा रिजवान, ये किसके लिए? सलार दो किलो है सर, एक पुराना भी नया है, ये नया वाला है, नया वाला देखते हैं। एक पेपर मैंने दिया था एकेडमिक्स को जी सर, वो क्लास जो प्री एकेडमिक्स ग्रुप से वो ओके वो सर है मुझे जी सर, किसका दिखाएं किसका वो सर फर्स्ट नेम बाकी तो नहीं दे दिया जी। ये बच्चे तीनों जिनके लिए मैंने आपको बुलाया है, ये बेहतर बच्चे हैं, जो कि लेवल ऑफ फंक्शनिंग इनका बेहतर है। इनके इम्पोर्टेंट एरियाज मेथड वाला एरिया तो ठीक है, आपको समझ आई हुई उसकी, लेकिन इसके ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्री एकेडमिक या एकेडमिक, प्री या एकेडमिक स्किल्स आप कह लें जो भी है, ये एरियाज पे क्या काम हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो टारगेट आपने लिखे हुए हैं इसके मुताबिक तो अगर मैं देखता हूं इनको, तो इसमें बड़ी छोटी सी चीज है काउंटिंग। काउंटिंग काउंटिंग क्या होती है, मैं कहता हूं गिव मी थ्री बॉल्स, अब डिफरेंट एक्टिविटीज में आपको वो काम करवा रहे हैं ना, मैं कहता हूँ ये कितनी स्टेयर्स हैं, ये कितने पेन हैं, डिफरेंट चीजें इसको मैं कहता हूँ बच्चे को, तो वो उसको काउंट करनी चाहिए। इन तीनों का लेवल ऐसा है कि वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को काउंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं करता ये चीज सिला के लेवल पे वो है, जो आज से प्रॉम्प्टिंग इसकी चार महीने पहले शायद होती तो मैं कहता था खैर है, उसका लेवल इससे बहुत बेहतर है। क्यों अभी प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ रही है? सर आप सही नहीं करता है, इफ यू हैव डाउट आई कैन ब्रिंग, घोड़ा भी मैदान भी सब कुछ है, नहीं करता मैं आपको ऐसे नहीं करता। मैं उसके सामने कब से इस तरह की चीजें रखती हूं, मैं कहती हूं अब आपने काउंट करना है, तो वो काउंट करता है, बट ही इज नॉट डूइंग इट।
हैव यू जनरलाइज इट देन? नेक्स्ट स्टेप पे बात ये आ जाती है, अगर आपके पास कर रहे हैं इनके पास, मेरे पास नहीं कर रहा, तो देन इट्स अ बेटर जनरलाइजेशन। पहले पास करता था, इवन उर्दू में भी करता था, जो मैं उसको काउंटिंग से शीट्स कराती थी, जो फ्रूट्स काउंटिंग शीट थी कि फ्रूट्स काउंट करके आपको नीचे लिखना है, इवन वो लिखता भी था खुद से, मतलब कोशिश करता था 8 और वो 9। देखिए जनरलाइजेशन क्या होती है, शीट पे आपने करवाया, उसको प्रैक्टिस दी, उसने कर लिया, आपने कप्स पे जिस चीज पे भी आपने कराया उस पे कर लिया। जनरलाइजेशन क्या है? डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे। अब आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, अब वहाँ पे पॉट्स पड़े हुए हैं उनको कर लें, बच्चे कितने हैं उनको कर लें, गर्ल्स कितनी हैं उनको कर लें, बॉयज कितने, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच यू कैन जनरलाइज द थिंग्स। आप उसको एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं कर रहे, कर सकते ना। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, थ्रू लैंग्वेज कैसे करते हैं, कि आप अपने इंटरेक्शन जो आपका उसके साथ होता है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सेशन आपका होता है ना, इंडिविजुअल सेशन में आप कर रहे हैं जी। और आपका क्या हाल, आप कैसे हो, ये वाली चीज है, फिर आप क्या कर रहे हो, अभी तीन स्टेप्स पर रखा उसको। यहाँ तो करता है और उसके मुताबिक वो घर जाकर भी सलाम करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज का हिस्सा होती है, जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन हो गया, वर्ड ऑपोजिट हो गए, प्रपोजिशंस हो गई, ये चीज़ें आपके टारगेट्स में कहाँ पे हैं लैंग्वेज के लिए। सेंटेंस पे तो आप कर रही हैं काम ना, कॉन्सेप्ट्स जो है उसके, कंपैरेटिव जो होता है, कंपैरिजन स्मॉल बिग, बिगर बिगर बिगेस्ट, सारी चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें आप कहाँ पर करवाते हैं उसको, वो क्या लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ आएगी कि ये सब कुछ उसकी लैंग्वेज में ऐड होना है, सपोर्ट करना है, और आपने उसको ना कराई, तो आपको अगर उसको कुछ चीज़ें सेंटेंसेस सिखाते हैं, तीन सेंटेंसेस आपने सिखा दिए कि उसको कर लो, दैट इज़ अ रोट वे ऑफ टीचिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको कम्युनिकेशन से के लिए उसकी स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, उसकी सबसे पहले तो उसका ये जो है इमिटेशन आ जाती है, इमिटेशन वो उसकी डेवलप्ड है कि नहीं डेवलप्ड है, इमिटेशन कैसे, वोकल, ठीक है, वोकल या वर्बल, आवाज को कॉपी करता है कि नहीं करता है, फिर एक वर्ड को करता है कि नहीं करता है साउंड को, ठीक है, उसको उसको उसमें आ जाती है इमिटेशन, जब आ जाती है अब उसमें कॉन्सेप्ट्स उसके डिफरेंट जो उसके हैं वोकैबुलरी के, वोकैबुलरी बिल्डिंग आ जाती है, वोकैबुलरी आप उसकी कितनी बढ़ा रहे हैं, वोकैबुलरी हो जाती है इंडिविजुअल, एक एक आइटम है इंडिविजुअल आइटम, क्या आप कह रहे हैं उसको इंडिविजुअल बेस पे, अब आगे उसकी कैटेगराइजेशन आ जाती है, फ्रूट्स अलग है, यूटेंसिल अलग है, वो कैटेगरीज आप उसकी कॉन्सेप्ट उसको है कि नहीं हो रहा, ये किस, ये सब लैंग्वेज के लिए जरूरी है, प्री रिक्विजिट्स है। अगर उसको ये कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो लैंग्वेज उसकी टूटी फूटी होगी, कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं होगा। जेंडर्स में आ जाए, मैस्कुलिन फेमिनिन की बात हम करते हैं, इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात कर लें, इसमें प्रोनाउंस की बात कर लें, इसमें प्रपोजिशन की बात कर लें, इतना कुछ होगा तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन होगा ना। तो इन पे आप फोकस्ड है नहीं है, क्या हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिस इज रिक्वायर्ड। सर ये मसला
प्यार से करवाते हैं। जैसे कोई चीज गिरी है तो एक गिरी है तो गिर गया वो बोलता है अब उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज दो तीन गिरे थे लेकिन उसने फिर भी गिर गया, फिर मैंने गिर गए। इसी तरह जिस तरह आपने उस दिन उल्टा और उल्टी का कॉन्सेप्ट दिया था वो अब उल्टा ही बोलता है, लेकिन फिर प्रॉम्प्ट से मैं उल्टी प्लेट को उल्टी हमने इस तरह की ये सब मैं उससे करवा रही हूँ। ठीक, मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ें जब तक हम उसको देखिए, एक तो ना इंसिडेंटल लर्निंग, आपने एक चीज गिरी उसे आपने उसमें आपने आपके जहन में था कि मैं इसको सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट दे रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको एक गिरा है। एक होता है पर डिज़ाइन, जब आप ये सिखा रहे हैं अब आप हर जगह पे इंडिविजुअल में भी जॉइंट में भी आउटडोर इनडोर जहाँ पे भी है अब आप उसको टारगेट करेंगे कि भाई मैंने इसको सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस दे देनी है इसको इसमें। अब वो सारे दिन में जितने काम यहाँ पे हम करवाते हैं, जितनी एनवायरनमेंट में हम उसको काम बच्चे को एक्सपोजर देते हैं, आप बैठने गए तो बैठ सकती हैं, जितना एक्सपोजर हम उसको देते हैं उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे पास ये काम कराने की। लेकिन ये होगा कब, जब आप फोकस्ड होंगे, आपको खुद क्लियर होगा कि यार ये ज़रूरी क्यों है इसको ये सिखाना बिग एंड स्मॉल। अब वो बिग एंड स्मॉल का एक कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं, टॉल एंड शॉर्ट का दे रहे हैं, थिक एंड थिन का दे रहे हैं, एक एक होता जाता है, अगला अगला आप करते हैं। मेथड वही है, अटेंशन ले के इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करना, मेथड रिमेन सेम, क्योंकि वो उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों को ना सीखने की ना। मेथड विल बी सेम, रेपिटेशन नहीं कराएंगे एक ही चीज़ पे। अब वो एक चीज़ जब थिक एंड थिन आपके पास हो गया, अब उसको जनरलाइज होने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे पास जो वीडियोज़ के अंदर आप देखें तो मैं उसको साथ उधर से वो छोटा सिलेंडर और बड़ा दिखा रहा था, उधर से एक बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ दिखा रहा था, फिर पतला और मोटा मैं ऐसे करें मोटा उसको जैक कर रहा था, उससे इमिटेट करवा रहा था वो भी करें। अब उसमें इतनी सारी चीज़ें उसकी बिल्ट हो रही होती हैं बच्चे की, इमिटेशन स्किल भी आ रही है, कमांड फॉलोइंग भी हो रही है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं, वो इन्जॉय भी कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उसको चीज़ को उसके लिए आप इंटरेस्टिंग बनाएं, इंटरेस्टिंग होगा तो वो अच्छा लर्न करेगा। लेकिन अगर एक ही चीज़ को आप कराते रहेंगे, एक ही पैटर्न पर करते रहेंगे, वो बोर्डम में चला जाएगा। कलर्स ही में कराई जा रहा हूँ उसको, मतलब फॉर एग्जाम्पल या कोई भी एक ही चीज़ में कराई जा रहा हूँ तो वो बोर हो जाएगा ना। और फिर इनमें रिलेक्टेंस बिहेवियर जो आजकल मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ बच्चों में कितनी वीडियोज़ के अंदर मैंने हाईलाइट किया, वो रिलेक्टेंस बिहेवियर क्यों आता है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थिंग्स, बिकॉज दो थिंग्स आर नॉट अट्रैक्टिव टू द चाइल्ड। मेक देम मोर अट्रैक्टिव, मेक देम। अभी सुबह एक टीचर यहाँ पे एक बच्ची के साथ काम कर रही थी, शी वॉज सो डल हरसेल्फ कि मुझे उनको कहना पड़ा आई वॉन्ट टू सी दिस सेशन अगेन बट अ लाइवली वन वेयर यू शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड। तुम अगर ऐसे हो तो बच्चा कैसे सीधा होगा। बींग टीचर और थेरेपिस्ट वी हैव टू बी एक्टिव एंड एनर्जेटिक। आप लोग जवान लोग हैं, एनर्जी से आप में सुबह सुबह आते हैं, तो अगर आपका पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आप नहीं सिखा सकेंगे ये सारी चीजें। ये बड़ी मल्टी चीजें होती हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ती हैं, अट्रैक्टिव भी रहना है, पेयरिंग भी अच्छी रखनी है, फॉर्मनेस भी रखनी है, कॉन्सेप्ट भी देने हैं, लैंग्वेज की तरफ भी लेके जाना है, मोटर स्किल्स को भी पकड़ना है। ये सारी चीज़ों को की डाइवर्सिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में, उस वक्त तक आप उसको नहीं सिखा सकते। अब ये रिटर्न गोल्स के अंदर भी जो मुझे चीज़ें नजर आ रही हैं आपकी, एकेडमिक्स की, प्री एकेडमिक्स की और कम्युनिकेशन की, इसमें ये चीज़ें नहीं है, ये होनी चाहिए, ये होंगी। आप लिखेंगे कि हाँ मैं इसको प्रपोजिशन करवा रही हूँ इस महीने में, अब वो प्रपोजिशन में क्या होता है, इन आउट ये वो सारे, उसमें से कितने हो गए आगे चल पड़ेंगे होना, वो उसके लिए कोई आपने अलग से नहीं, उसके लिए टाइम चाहिए आपको। वो आप इनडोर आउटडोर इंडिविजुअल सेशन जॉइंट सेशन हर एक के अंदर आप करवा सकते हैं। जो जॉइंट एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं ग्रुप के अंदर, जब टेबल पर बैठा के जिस तरह कल भी टेबल पर बैठे हुए थे, उधर ये सारा कुछ कितना कुछ हो सकता है इसमें से। आज मैंने तीन बच्चों को, इन तीनों को जो करवाया मैंने यही काम करवाया इसी तरह की। तो ये आपको एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ और आपको मैं उसमें मैं गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से इनके आईपीस में चीज़ें ऐड करें और उसकी। अब ये काउंटिंग सिखाना प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसको आती है, तीनों को आती है, अकाउंट का लेवल है काउंटिंग करने का, लेकिन अब वो जनरलाइज नहीं हुई हुई, अटेंशन अगर अच्छी नहीं हुई हुई उसकी बिल्ड, अब वो उधर अटेंटिव नहीं हुआ, सलार का हाइपर एक्टिव वाला फैक्टर उसमें नजर आ रहा था, उसकी फिंगर आगे मूव कर रही थी और उसमें डिफरेंस आ रहा था, कोऑर्डिनेशन नहीं थी,
दिस वॉज द प्रॉब्लम. अब वो कैसे बेहतर होगा, बाय गिविंग प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस एंड टू, हाँ जी. और वो जो था मूसा रिजवान क्या था, वो रुक ही नहीं रहा था, ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए, वो फिर नए सिरे से आगे आगे कंटिन्यूटी में चल रहा है. सो ये वो चीज है, आस्क यू टू गिव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ थिंग इन योर इंटरेक्शन इन इंडिविजुअल या ज्वाइंट के अंदर. मुझे 5 पेंसिल्स पकड़ाओ यहाँ से, कलर्स कलरिंग तो कराते ही है. तो इन दैट कलरिंग एक्टिविटी जो आप कलरिंग करवा रहे हैं, उस कलरिंग के अंदर मैं इतनी सारी चीजें अपनी अचीव कर लूंगा दूसरे गोल्स में से. लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसके लिए मैंने अलग करना है, तो फिर मेरे इतना टाइम दरकार होगा. नहीं, गलत है ये. देखिए चेंज चाहिए, ये चेंज इसलिए चाहिए, एक बच्चा ऑलरेडी डिले में है. डिले कैसे कवर होता है, एक गाड़ी मुझसे आगे है, मैं पीछे हूँ, मैंने उसको मिलना है तो मुझे अपनी स्पीड से तेज जाना पड़ेगा, अपनी स्पीड इन रिलेशन टू हिज स्पीड, देन आई विल बी एबल टू मीट हिम कैच हिम. मेरा पॉइंट समझे. अब अगर आप उस पेस पे ही एक नॉर्मल वाले पेस पे चलते रहेंगे, तो फिर तो वो पीछे वो और आगे चला जाएगा, आप उधर आएंगे वो और आगे चल जाएगा, वो तो प्रोसीजर है, भाग दौड़ चुहे बिल्ली वाली लगी रहेगी, फिर उसमें नहीं कर सकेंगे आप लोग इनको एज के. सो दिस व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वेयर वी शुड बी फोकस्ड, कि हमने करना क्या है और हमें किस पेस पे करना है. और अब इसमें दूसरा एंड हमारा आ जाता है, जब देखें ये चीज़ें आपकी गोल्स जब हैं, यहाँ पे आपके पास 3 आवर्स हैं बिलफर्ज, एक बच्चा 3 आवर्स के लिए आ रहा है, अब जो आपने उसको काम कराए हैं यहाँ पे, पहले तो होल्डिंग से स्टार्ट होगी, पहले चीज़ होल्डिंग उसकी बेहतर हो जाए, फिर अब उसकी जो है ट्रेसिंग हो जाए, स्ट्रोक्स उसके हो जाए, लगने लग जाए, ठीक है रिटर्न के लिए, फिर उसकी ट्रेसिंग आ जाएगी, फिर उसका इंडिपेंडेंट राइटिंग आ जाएगी. अब ये कलरिंग में भी होगा, उसमें भी होगा, इंडिविजुअल में भी, उसमें कोई भी चीज शेप्स कर लें आप, कोई भी चीज कर लें, फिर उसमें आपके इसके जो है राइटिंग उसकी ऑफ अल्फाबेट्स नंबर आ जाएगी. ये रिटर्न के काम है. रिटर्न के काम है. अब साथ साथ ओरल के भी अलग चल रहे होंगे. ओरल में क्या होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन आएगी उसकी चीजों की. आइडेंटिफिकेशन किस चीजों की, शेप्स कलर्स अल्फाबेट्स नंबर्स कॉन्सेप्ट, ये छोटे बड़े वाले जो चीजें इसके आ रहे होंगे. इसी के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन के साथ लेबलिंग चल रही होगी, कि वो लेबल भी कर सके चीजों को. फिर इसी में आगे उसका रीडिंग आ जाएगी. रीडिंग किस चीज की, रीडिंग से पहले एसोसिएशन आएगी. एसोसिएशन आएगी. एसोसिएशन किस चीज की आएगी, लेटर्स की, उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ वो आएगी. उसके बाद आगे उसकी रीडिंग आ जाएगी स्मॉल वर्ड्स के तौर पे. मैथ्स में चले जाएंगे तो उसमें काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है. तो ये चीजें वो हैं जो कि साथ साथ उसकी जो है आपको टारगेट भी करनी चाहिए और उस तरह से लेके चलनी चाहिए आईपीस में और प्रैक्टिकल में. ये इस पेपर में मैंने आपको दिया था ना, लेकिन मैंने नए प्रोग्राम इसलिए पकड़े हैं कि ये अब बने हैं इस पेपर के पहले के बाद पहले के बाद चेंज इट. पेंसिल से ही लिख ले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. नो टाइप अगेन, टाइपिंग करके निकाल रहे हैं वेरी फाइन. अदरवाइज इन चीज़ों को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वीडियो जो दूसरे बच्चे मैंने सुपरवाइजर जो मैंने नहीं बुलाए उनके लिए भी है कि वो ये चीज़ें समझे. इट्स एन आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूँ. एक्सरसाइज योर माइंड एज वेल, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स टू इनकॉर्पोरेट इन द आईपी. अब उसको इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट की तरफ लेके आए, दिस विल हेल्प इट. और ये जब इस तरह से लेके आप इसको चलेंगे, अब इसमें कम्युनिकेशन आ जाता है, फिर आप उसमें कन्वर्सेशन लेवल पे ले जाते हैं, फिर आप उसमें उनको स्पीच के लिए
ये तो वर्बल बच्चे हैं ना, एट द सेम टाइम कुछ एक पॉइंट और मैं आपको हाईलाइट करूँ, जो नॉन वर्बल बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अब्दुल्ला सुलेमान का जो मैं देख रहा था, कौन सुपरवाइजर उसकी, उसको एक बच्चे को वर्बल करने के लिए जो टारगेट है वो करना जरूरी है। उसके तीन आईपीएस मैंने देखे पिछले, तीनों के अंदर वो टारगेट नॉन वर्बल का पॉइंटिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाई नॉट वर्बल, वी हैव टू पुश हिम, कुछ बोल देता है जी सर, जैसे बाय बोलता है, अल्लाह को भी बोलता है, दे दे ऐसे, लेकिन क्वेश्चन पे नहीं कर रहा ना, क्वेश्चन पे नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या मेथड होता है, मैंने वो कितनी बच्चों की आपको बताया दिखाया कि इसको पुश करें, पुश द चाइल्ड, वो खुद उस बैरियर को नहीं क्रॉस करेगा, उसको मजबूर करना होता है मैं कि तुम करो, और मजबूर इन अ वे जहां पे कि वो एंजॉय भी कर रहा हो साथ साथ। उसका काफी कुछ किया है उसी तरह से, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, पुश करते रहे, साउंड्स भी जैसे करते हैं ना तो आवाज निकालते हैं, मतलब वो आवाज नहीं निकालता, तुम बना बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो इमिटेट करते हैं लेकिन उसकी वॉइस नहीं निकलती, तो वो अटेम्प्ट करते करते कहीं उससे निकलेगी आवाज, अब उसको प्रोसेसिंग अदरवाइज भी तो हम सिखा रहे हैं ना उसको, अब वो प्रोसेसिंग समझ रहा है, अब वो उधर से कहीं पे अटर हो जाएगी उससे, उसको वो स्टार्ट कर देगा, वर्बल हो जाएगा इंशाल्लाह। डोंट लूज हार्ट इफ इज नॉट डूइंग, कीप ट्राइंग ही विल डू, और बाज़ुकात इंशाल्लाह, और बाज़ुकात क्या होता है कि हम यहाँ पे जो एफर्ट कर रहे होते हैं वो दूसरे एरियाज में उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, घर में कर रहे हैं ऑफर ना हो, घर में ऑफर अटर आ रही है उसको, मेरे पास नहीं कारण होगा, आई एम नॉट वरीड, आप लोग ना बड़े मेहनती हैं, ये चीजें जो इन बच्चों के साथ काम करना होगा ना ये आसान नहीं होता, लेट मी टेल यू, मुझे पता है इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड इन अ वे कि यू पीपल आर देयर टू सपोर्ट मी माई कॉज, कि आप लोग उसके साथ एफर्ट करते हैं बच्चों के साथ, जिस चीज पे एफर्ट करते हैं वो जरूर बेहतर हो जाती है। लेट मी कोट द एग्जांपल ऑफ ज़करिया, रैपिंग की जा रही थी उसने कल, सर आज भी कह रहा था, कितने दिन हुए इसको टारगेट किए, थर्ड डे है, जो महीने से नहीं कर रहा था, तीन दिन फोकस अटेंशन के साथ हमने टारगेट करके उसको जब किया, जब टारगेट करके आपने किया तीन दिन में, तो तीन दिन में उसने क्यों कर लिया, बिकॉज यू ट्राइड फॉर दैट नाउ, दिस इज द रीजन के मैं चाहता हूँ कि आप इनकी भी ट्राई करें, ये करेंगे टारगेट उसमें लिखें, मेंशन करेंगे अगले सिस्टम में आ जाएगा ना, और उसकी प्रैक्टिकल में एफर्ट करेंगे वो ये करने लग जाएगा सब कुछ। अब इसमें ये मैंने सब्जेक्ट इंग्लिश उर्दू वाला कर दिया, मैथ्स में क्या आ जाएगा, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, इन बिटवीन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, तो ये बच्चे लेवल इनका बेहतर है, और मैं चाहता हूं कि ये इन चीजों में हम और उनको बेहतर करके उनको निकालें यहाँ से, जाएं मेन स्ट्रीम की तरफ, आई डोंट वांट टू कीप द चाइल्ड फॉर हिम फॉर लॉन्ग पीरियड, सर ये चीज उस्मान के लिए भी होगी, ये मैंने सिर्फ तीन का बोल रहा हूँ, इतने पीछे लाइन में है जिनके साथ ये काम किए जा सकते हैं, उस्मान इज वन आउट ऑफ दोस, वी आर राइट, ही कैन आल्सो डू इट, माशाल्लाह बेहतर बच्चा है, तो बहुत सारे और आपको नजर नाम आएंगे सामने, सर हमने लिस्ट बनाई है, तो इनको इस तरह से टारगेट करें। मैं बहुत खुशी होती है जब एक बच्चा यहाँ से इस रीजन से जाता है कि वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, वली गया वो छोटा, इतनी खुशी हुई हमें, हुसैन गया, राफे गया, वो छोटा अब्दुल हादी गया, अब्दुल हादी की मदद से उसने मेरी बात, शी वाज हैप्पी, ही वाज डूइंग गुड, वो छोटा अब्दुल हादी था। तो मकसद ये कि आई एम इंटरेस्टेड कि आप लोग इस पर टारगेट करें, इस तरह से इनको पुश करें और ये जाएं यहाँ से, दिस इज आवर अचीवमेंट, बच्चा यहीं पे आता रहे, इसे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एक इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, ये यहाँ से हमने इनको धिक्का लगाने आगे जाएं, अगले नेचुरल वाले नॉर्मल वाले पार्ट में जाएं ना, दिस इज आर अचीवमेंट,
ये नहीं हमारी अचीवमेंट है, हम कहें हमारे पास यार और हम लगे हुए धिक्का लगाने। कुछ केसेस जो सीरियस के होते हैं वो ठीक है, हमें भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन जो बच्चे इस लेवल पे हैं जिनको हम पुश कर सकते हैं इस तरह से, उनके लिए हमें कोशिश करनी है। यू पीपल आर डूइंग इट ऑलरेडी, मैंने देखे हैं आई ए बीज आपके ठीक बने, लेकिन इसमें सिस्टमेटिकली चीज़ों को उसको ऐड होना और एफर्ट होने की जरूरत है। ये आप लोगों को समझ आएगी तो आप करेंगे ना, और जब आपसे करने में प्रॉब्लम हो, ना हो रहा हो, देन गेट बैक टू मी, आई विल गाइड यू, आई विल डेमोंस्ट्रेट इट टू यू कि क्या करें कैसे करें, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन? हाँ जी जी बोले। कल सर प्रैक्टिकल करना सिला की और सारा के स्पेशली मैंने सेशन भी लिए थे इन लोगों की, और मैंने इनको ये चीज़ करके बताई नहीं थी, ये जो प्रपोजिशनल कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें इन दोनों को, पारे को भी और इनको भी, और ये कल ही की बात है। तो आज मैंने चेक करना था, बारे तो आई नहीं है, तो इन्होंने मुझे रिपोर्ट किया था कि करवा रहे हैं, तो इनशाला अब प्रोग्रेसिव वे में चले इनशाला। और ये इसमें ऐड करें आई बीज में, और जब इसमें आ जाएगा अब आपके क्लियर हो जाएगा, टारगेट के तौर पे आ जाएगा ना, और आगे फिर फॉलो अप में भी चलता रहेगा साथ। सर ये जो कैटेगरीज और ये सारी चीजें में समा उधर उधर, मतलब ये सारी चीजें अपन कम्युनिकेशन में स्पेसिफाई करके अंडर कम्युनिकेशन की हेडिंग रखें, क्योंकि समहाउ आगे पीछे करा रहे, लेकिन आपकी वही वाली बात की स्पेसिफाइड नहीं है और टारगेटेड नहीं है, तो क्या फिर हम ये सारी चीजें एक अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर रखें और उस लिहाज से स्पेसिफाई करें? देखिए जो आपने किसी ने बड़ा डिटेल ये बनाया हुआ था उसका आपका ही था, जो प्री स्किल वाला पार्ट है, प्री स्किल वाला पार्ट बहुत आपने एक एक हेडिंग अलग अलग करके लिखी है, किसने लिखी है? मेरा पॉइंट ये है कि जो प्री स्किल्स की बात हम करते हैं, वो प्री स्किल्स या ये वोकैबुलरी बिल्डिंग, ये मुख्तलिफ चीजों में हो सकती है, मुख्तलिफ चीजों में हो सकती है। आप प्ले किसी भी टॉय के साथ जब कर रहे हैं उसमें बहुत सारा पार्ट हो सकता है, हर प्ले के अंदर एक प्री स्किल का पार्ट हमें मिलता है उसमें जो हम कर रहे होते हैं, वो उसमें प्री स्किल्स उसकी एड डेवलप हो रही होती है। ये जो चीज़ें हैं जो आपका क्वेश्चन है कि इसको हम कहाँ पे लिखें, इट हैज़ टू बी डन अंडर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, ठीक है, रिसेप्टिव भी है और एक्सप्रेसिव। जब आप उसको पॉइंटिंग करा रहे हैं, अब उसमें आप कलर्स को पॉइंट करा रहे हैं, शेप्स को करा रहे हैं, टाइगर को करा रहे हैं, काऊ को करा रहे हैं, एप्पल को करा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिसेप्टिवली वो अंडर उसको वो मिल रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है उसकी ऑफ द कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल आइटम। अब जब उसमें बेहतर हो जाता है, कुछ उधर से वर्बल में आ जाता है, अब हम साथ उधर से कैटेगरीज की तरफ चल जाते हैं कि ये सारे एक कैटेगरी है, ये सारे एक कैटेगरी है, अब हम कैटेगरीज की आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग में आ जाते हैं। दिस इज ट्रांसपोर्ट, दिस इज सी एनिमल्स, दिस आर बर्ड्स, दिस आर एनिमल्स, दिस आर फ्रूट्स। अब वो पूरी कैट उस फ्रूट के अंदर क्या कुछ है, वो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन उसकी चीज आ गई ना, तो इट हैज टू बी डन इन अंडर द हेड ऑफ कम्युनिकेशन। जी जी सर, जैसे इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसा कि इनको ये थी मतलब कैटेगरी, तो ये सॉर्टिंग अलग-अलग करा देते हैं, लेकिन आप बोले कि टेल मी फ्रूट नेम, तो बच्चा काउंट करके वो बताए फ्रूट नेम, ये कैटेगरी इन सारे बच्चों के लेवल पे होनी चाहिए, अब जो बच्चा लिख लेता है, अब आप उसको लिखवा के कर सकते हैं, जो रीड कर लेता है लाइक जकरिया हमारे पास था, वो रीडिंग में बहुत अच्छा था, अब उसको आप लिखे हुए वर्ड देते हैं, एप्पल, बनाना, टाइगर, फिश, अब उसको सॉर्टिंग कर देना उधर से सारे कार्ड उठाए, इट इट विल टेक यू टाइम एंड एफर्ट इन टर्म्स ऑफ मेक, टाइप कर दें, टाइप करके उसको निकाल दें, उसको करा लें, लेमिनेट करवा लें, वर्ड्स जितने सारे रखे हुए आपने, कार्ड्स भी हमारे पास थे इस तरह के, भाई उन्होंने कहाँ पड़े मतलब, अब आप उसको कहते हैं चलो जिसको सॉर्ट आउट करो, ट्रांसपोर्ट वाले इधर रखे, उस वाले उधर रखे, ये वो कहते हैं, अब अगेन उसकी वही प्रैक्टिस हो रही है।
जो आप फिगर पे कर रही हैं वो नहीं। अब आप उसको ऑब्जेक्ट दिखाना शुरू कर दिए, बोलती रहे तब भी ठीक है, पकड़ बोल वो बोले और पकड़ के सही जगह पे रखे, फ्रूट इधर रखने हैं, एनिमल इधर रखने हैं, आपने उसको दिखाया एप्पल दिखाया, आप वो बोले क्या है, आपने पूछे व्हाट इज इट, बोले आप उसके हाथ में दे दिया वो रखे एप्पल कहाँ, फ्रूट्स वाले कैटेगरी कहाँ पे, एक बकेट जिसमें फ्रूट्स पड़े हुए, आप कार देते हैं वो बोले कार है, और आप साथ में और आप अगेन उसमें सेंटेंस लेवल पे ले आए उसको कम्युनिकेशन के हवाले से, क्योंकि रेपिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए अगर वो वर्ड पे हम कराते रहे तो वर्ड की बात नहीं होती रहेगी, और हमका ये प्रॉब्लम है। प्रोनाउंसिएशन उसको सुनने को सही देते रहे उसमें सही होगी, खुद उसको उतना अच्छा वो नहीं करेगा, वो शीप उसका बड़ी मुश्किल से हुआ है, सही पीश करता था तो अब शीप करता है, कल भी मैंने उसको करवाया उधर, तो इस तरह से अब आप इसको जब कराएंगे तो असल में उसकी कॉग्निशन बढ़ रही है इन सारी एक्टिविटीज से, दिस विल हेल्प इन लर्निंग ऑफ डिफरेंट स्किल्स, उसकी प्री स्किल्स बढ़ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, और ये बच्चे तीनों जो हैं ये मैं इसलिए इनको मैंने टारगेट किया कि इनको डिस्कस करके हम करें कि ये बच्चे इम्प्रूव करने वाले हैं इन एरियाज़ में, और हम अगर इनको उस अंदाज से लेके चलेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह, और इसके लिए आपको समझ आनी ज़रूरी है, आपको जब समझ आएगी अब आप इसकी वो एक कलेक्टिव क्लास मैंने ली थी जॉइंट इनकी, अब इनकी प्रीडेमिक की क्लास भी होती है उसके अंदर ये कितनी सारी चीज़ें इसमें से होने वाली है कि छोटा है ये बड़ा है ये पतला है ये मोटा है, कॉन्सेप्ट हैं सारे, ठीक है। अब वहाँ पे खाली एक चीज़ से नहीं, चैनलाइजेशन उसी वक्त में उसी इन्वायरमेंट में भी, एक छोटा बच्चा खड़ा कर दे एक बड़ा कर दे, बताओ ये छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है, फिंगर्स कर लें, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेपर स्ट्रिप्स काट लें आप, एक स्ट्राइप छोटी है एक बड़ी है, अब उसको आप कहते कौन सी बड़ी है, पेंसिल ले लें छोटी बड़ी ले लें, इतनी चीज़ें आप जितना सोचेंगे उतना आपको नजर आती रहेंगी, जिसमें ये चीज़ें आपको ये वाला पजल इस तरह का मैंने दिया है उसको किसी को, एक छोटा बड़ा सबसे छोटा ये वाला, अब ये सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है ट्राइंगल में, तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत सारी मिल जाती हैं जो कि आप अपने इन्वायरमेंट में उसको कर सकते हैं अप्लाइज अपने उसके अंदर, ठीक है। आई होप वी आर ऑन सेम पेज, समझ आई आपको, तो ये रिटर्न में भी ऐड करें और प्रैक्टिकल में भी, और मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने नोट कर की हैं कि भाई इसको काउंटिंग नहीं आती है, तो मेरे लिए बड़ी इट वॉज स्ट्रेंज टू मी कि जी उसको काउंट क्यों नहीं कर पा रहा है वो, तो ये नहीं होना चाहिए, ये अब इसकी रीज़न क्या सामने आई, जनरलाइजेशन आपके पास कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जनरलाइज नहीं हो रहा, उस इट हैज़ टू बी जनरलाइज इन ऑल एस्पेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।